क्या आप अपनी फील्ड में बेस्ट बनना चाहते हैं या आप अपने फील्ड में टॉप पे पहुंचना चाहते हैं? क्या आप एक दिन लीडर बनना चाहते हैं? अगर हाँ तो ये समरी आपके लिए ही है। बेस्ट रहना और ज्यादा पाने की कोशिश करने को रिलेंटलेस कहते हैं। इसका मतलब कभी ना रुकना और पीछे ना देखना है। इस समरी में आप ये सीखेंगे कैसे बिना हारे बिना रुके अपनी मंजिल को पाया जाता है। ये सीखेंगे कि कॉन्फिडेंस और पूरी मोटिवेशन के साथ कैसे काम करें तो अपने लक्ष्य पे जल्दी पा लेंगे और अपने लक्ष्य को प्राप्त करके अपनी सफलता की सीढ़ियों को और बुलंदियों तक ले जाएंगे। ये रिलेंटलेस किताब टिम ग्रोवर ने लिखी है। वो एक पर्सनल ट्रेनर, एंटरप्रेन्योर और मोटिवेशनल स्पीकर है। उन्होंने बहुत सारे खिलाड़ियों को ट्रेंड भी किया है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम तेजस मिश्रा है। मैं बुक रस पर आपका स्वागत करता हूँ। यहाँ पर आप बुक समरी को सुनते हैं और अपने जीवन में इम्प्लीमेंट भी करते हैं। जॉब हो या बिजनेस, किसी भी फील्ड में बेस्ट बनने के लिए टॉप पर पहुँचना ही काफ़ी नहीं है। उस जगह को बनाए रखना बहुत ही जरूरी है। आपको हमेशा सीखते रहना चाहिए, जिससे आप और बेहतर बनेंगे और आप अपने जीवन में और तरक्की हासिल करेंगे। ज़्यादातर लोग एक लिमिट में रहकर खुश रहते हैं, लेकिन अगर आपको अनस्टॉपेबल बनना है तो इतना आपके लिए काफ़ी नहीं होना चाहिए। रिलेंटलेस बने रहने का मतलब है तब तक नहीं रुकना जब तक वो चीज़ आपको हासिल ना हो जाए, और उसको पाने के बाद आपको रुकना नहीं है, उसके आगे की मंजिल को पूरा करने के लिए आगे बढ़ते रहना है। टिम ग्रोवर हमें तीन तरह के लोगों के बारे में बताते हैं। पहले पुलर। पुलर एक ऐसा इंसान होता है जो इंतज़ार करता है कि कोई और उसको आके बताए कि उसे क्या करना चाहिए। वो किसी का भी साइड नहीं लेता है, और जब बहुत सारी प्रॉब्लम आने लगती है तब वो खुद सॉल्व करने के बजाय किसी और को दे देते हैं। ज़्यादातर लोग यहीं पाए जाते हैं। दूसरे होते हैं क्लोज़र। क्लोज़र प्रेशर को हैंडल करना जानते हैं। वो प्रेशर को अच्छे से हैंडल कर लेते हैं। वो किसी भी काम के लिए पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड रहते हैं। वो हर सिचुएशन के लिए प्लान बनाते हैं, मगर क्लोज़र अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन के लिए कम्फर्टेबल नहीं होते। ये लोग अच्छे जॉब परफॉर्मर होते हैं। तीसरे नंबर पर क्लीनर। इस समरी में टिम ग्रोवर आपको एक क्लीनर बनना बताएंगे कि आपको एक क्लीनर बनना चाहिए अपने जीवन में। क्लीनर कभी भी सेटिस्फाई नहीं होता है। रिलेटलेस सारे क्लीनर में होते हैं। बेसिकली किसी काम में आप अच्छे हैं तो तब तक आप उस काम को ना रोकें जब तक आप उसमें ग्रेट ना बन जाएं, और जब आप ग्रेट बन जाएं तब भी आपको उस काम को नहीं रोकना है तब तक जब तक आप उसमें अनस्टॉपेबल ना बन जाए। रिलेंटलेस कहता है कि आपको तब तक किसी काम को करते रहना है जब तक आप उसकी हाईएस्ट पोटेंशियल को अचीव ना कर लें। क्लीनर को एडिक्शन होती है जीतने की। अगर आप अभी तक क्लीनर नहीं बने हैं तो वक्त आ गया है कि अब आपको एक क्लीनर बनना चाहिए। जब आप क्लीनर बने और अपने रिजल्ट से आप देखेंगे कि आप बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटेड हो जाएंगे, और लोग जब आपके रिजल्ट्स को देखेंगे तो वो पूरी तरीके से हैरान हो जाएंगे। रिलेंटलेस की गारंटी होती है कि वो आपको रिजल्ट तक जरूर पहुंचाता है, क्योंकि इसमें जी तोड़ के मेहनत करनी होती है। अगर आप रिलेंटलेस हैं तो काश और अगर जैसे शब्द आपके लिए नहीं है। अगर आप रिलेंटलेस बनते हैं तो आपके एक्सलेंस के लेवल को और ऊपर ले जाएंगे। रिलेंटलेस का मतलब अपने आप को रगड़ के और ज़्यादा डिमांड करना है, और से कहीं ज़्यादा। ये आपको बताता है कि सिर्फ आगे की तरफ बढ़ने के लिए बने हैं, सिर्फ आप आगे के लिए ही बढ़ने के लिए बने हैं। जब आपका दिमाग कहता है कि बस अब नहीं, तब आपके अंदर से आवाज़ आनी चाहिए कि अभी तो बहुत आगे जाना बाकी है। टिम ग्रोवर के हिसाब से आपको पहले अपने दिमाग को ट्रेन करना होगा, तो आपकी बॉडी अपने आप दिमाग को फॉलो करेगी। क्लीनर सबसे मुश्किल चीज़ सबसे पहले ख़त्म करता है। वो जानता है कि उसे किस तरीके से काम को हैंडल करना है। वो पूरी तरीके से मोटिवेट रहता है अपने गोल के लिए, वो फोकस रहता है अपने गोल के लिए। एक अच्छा क्लीनर उन चीज़ों पे कभी फोकस नहीं करता जो उसे डिस्ट्रैक्ट करती है। एक क्लीनर कभी भी अपनी जीत को मेजर नहीं करती, क्योंकि वो कोई लिमिट सेट नहीं करते अपने जीवन में। ये कमिटमेंट, फोकस और डिटर्मिनेंट होते हैं। आपको ये समझना होगा कि आपको क्या पाना है, और जब आप उस चीज़ के लिए किस हद तक जाने के तैयार हो जाए तब आपको उस लक्ष्य की ओर बढ़ना है। टिम ग्रोवर कहते हैं कि जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा मनपसंद काम ही मिले, लेकिन आपको अपने
आपको चैलेंज करना चाहिए और आलस और डर को हमेशा के लिए ख़त्म कर देना चाहिए। क्लीनर हमेशा अपने गोल पे फोकस रहते हैं, वो कभी भी किसी भी चीज़ से डिस्ट्रैक्ट नहीं होते। आपने कई लोगों को ऐसा देखा होगा कि चाहे कुछ भी हो जाए वो अपने काम पे इस तरीके से लगे रहते हैं कि उनको आसपास का कुछ पता ही नहीं होता। जब सभी थक कर रुक जाते हैं तब क्लीनर वहाँ से दोबारा नहीं शुरुआत करने की चाह रखते हैं। आपको आज से ही अनकम्फर्टेबल रहना शुरू करना होगा, क्योंकि एक रिलेंटलेस एक क्लीनर हमेशा अनकंफर्टेबल ही रहता है, उसे कंफर्टेबल पसंद ही नहीं होता। जब आपकी बॉडी चिल्लाए अब बस बहुत हुआ, अब आप उसे नहीं होगा, तब आपको और कोशिश करनी है और अपने आप से ये कहना है कि मेरा लक्ष्य मुझे इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि मैं अभी रुक जाऊँ। और ये सुन के आपकी बॉडी को ये लगना चाहिए कि आप अपने लक्ष्य की ओर बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटेड हैं। और एक क्लीनर की बॉडी और माइंड दोनों ही उसके कंट्रोल में होते हैं। एक क्लीनर के चारों तरफ शांति होती है और वो हमेशा उम्मीदों और जोश से भरा होता है। क्लीनर बिना डिस्ट्रक्शन के अपने दिमाग की आवाज़ सुनता है, उसे किसी की भी जरूरत नहीं होती। एक क्लीनर को मेहनत करने में कितना भी दर्द होता है मगर उसका दिमाग उस दर्द को स्वीकार नहीं करता है। क्लीनर का दिमाग एक जोन में चला जाता है। यहाँ जोन का मतलब योगा या मेडिटेशन नहीं है, जोन का मतलब एक गहरी शांति होती है, जोन का मतलब फोकस और पक्का इरादा होता है। आइए कुछ बातों को रिकॉल करते हैं। अगर आपको भी रिलेंटलेस बनना है तो कम से कम आपको चार नियम तो फॉलो करने ही चाहिए। आप कोशिश करते हैं जब बाकी सब हार मान लेते हैं, ये पहला नियम है। दूसरा नियम, आप माइंड के ऐसे जोन में चले जाइए जहाँ पर आप सब चीज़ों पर कंट्रोल करना सीख जाएंगे। अगर आप एक बार जोन में चले जाते हैं तब आपको अनकंफर्टेबल सिचुएशन से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तीसरा, आपको लगातार मेहनत करते रहनी है जब तक आपका लक्ष्य आपको प्राप्त ना हो जाए। आपको किसी भी स्थिति में रुकना नहीं है, बस चलते रहना है। अगर आपको ये समरी अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें और इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।